जिंदाबाद, पटरी जिंदाबाद, 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 टोटी हाथ में होश में आओ, होश में आओ, टोटी हाथ में होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पटरी जिंदाबाद, 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 हटाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हटाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों को स्थान दो, स्थान दो, पॉइंट बता रहा गंगेश्वर दास शर्मा महामंत्री पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष सीआई टू गौतम बुद्ध नगर। आज फिर नेवड़ा अथॉरिटी पर वेंडर्स प्राधिकरण की सीओ रितु महेश्वरी के उस आदेश के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए आए, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए आदेश जारी किया कि वेंडिंग जोन से बिना लाइसेंस प्राप्त वेंडर्स को वेंडिंग जोन से हटा दिया जाए। वेंडिंग जोन में बैठाने का काम नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल के अधिकारियों ने किया। वेंडिंग जोन में आप बैठने दो या ना बैठने दो वो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन पथ विक्रेता अधिनियम के तहत ये कानून में व्यवस्था है कि जब तक संबंधित अथॉरिटी पथ विक्रेता का सर्वे करके लाइसेंस देकर उसको जगह नहीं दे देगी, तब तक उसको उसके मौजूदा स्थानों से नहीं हटाया जाना चाहिए। पथ विक्रेता अधिनियम में प्रावधान है, जब ये प्रावधान है और हमारा सत्यापन करके हमें जगह नहीं दी गई है तो हमें काम रोजगार करने से नहीं हटाया जाना चाहिए ना रोका जाना चाहिए। इन्होंने वर्क सर्किल के अधिकारियों ने हमें वेंडिंग जोन में भेजा, हम वेंडिंग जोन में चले गए। लाइसेंस देने का जिम्मेदारी वर्क सर्किल के अधिकारियों की थी, नोएडा प्राधिकरण की थी, और इसी समझदारी के साथ उनको वेंडिंग जोन में बैठाया गया कि उनको भी जो है निर्धारित शुल्क लेकर के लाइसेंस दे करके स्थापित कर दिया जाएगा। जिन लोगों का सत्यापन हो चुका है, चाहे वो वर्ष 2018 में आवेदन करने वाले थे या उसके बाद प्राधिकरण के निर्देश पर वर्क सर्किल के अधिकारियों ने जिन वेंडर्स का सत्यापन कर लिया, सत्यापन के बाद उनका ड्रा नहीं किया जा रहा, तो ये प्राधिकरण की गलती है। प्राधिकरण सत्यापित वेंडर का ड्रा करके उनको लाइसेंस दे दे और वेंडिंग जोनों में जगह दे दे, वेंडिंग जोनों का विस्तार किया जाए, नए वेंडिंग जोन और बनाए जाए, जिनका सर्वे नहीं हुआ उनका सर्वे कर लिया जाए। ये न्यूनतम कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम जो है लगातार प्राधिकरण के साथ बात कर रहे हैं। आज भी मैडम यहाँ नहीं थी, उनके नीचे एसीओ मानवेंद्र जी और सतीश कौशिक जी से हमारी जो विस्तारित बातचीत हुई है, इन तमाम मुद्दों से, तमाम वेंडर्स की समस्याओं से उनको अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह मीटिंग बुला करके उठाए गए तमाम जो मुद्दे जो आपने दिए हैं लिखित में ज्ञापन में, उनका वो समाधान कराने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान होता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो एक बड़े आंदोलन की तरफ हम दोबारा जा सकते हैं, फिर दोबारा से नोएडा अथॉरिटी पे तमाम पथ विक्रेता अपने हक के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए आंदोलन पे जाएगा। हमारा फिर अधिकारियों से कहना है कि वर्ष 2018 के जो आवेदन करता है वो प्लस उसके बाद आपने जिनके सत्यापन किए 2021 में 2022 में आवेदन लेकर के, उनको या जो लोग छूट गए हैं किसी वजह से, जो पुराने लोग हैं उनको जो है वेंडिंग जोन की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए, उनको रोजगार करने दिया जाए। लाइसेंस देना ट्राई करना वो आपकी जो जिम्मेदारी है, आप करिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो विस्तारित उनके सामने रखे हैं। तो आज फिर हमने जो ज्ञापन दिया है और उनसे मांग किया कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। तमाम जो जगह के वेंडर, सब जगह के दो दो चार चार लोग आए थे जो बातचीत करने के लिए, और अगर बातचीत नहीं बनेगी आगे तो फिर जो तमाम लोग अपने जो है काम का बहिष्कार कर फिर से सड़कों पे उतरेंगे, अथॉरिटी के सामने यहीं जो धरने बैठेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, पट्टी जिंदाबाद, नोएडा अथॉरिटी होश में आओ, वेंडर्स के रोजगार पे हमला करना बंद करो, सत्यापन का लाइसेंस देना होगा, वेंडिंग जोन देने होंगे, देने होंगे, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
में बुनियादी सुविधाएं देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। वेंडिंग जोन में बिजली पानी की सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। किराया राशि कम करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।